गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लीवर यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये उदर के दाहिनी और डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होता है। इसका रंग भूरा लाल या चॉकलेटी होता है। इसका अधिकांश भाग दाईं तथा थोड़ा भाग आमाशय के सामने बाईं ओर अवस्थित होता है। इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, दायां और बायां भाग। उदर के दाहिनी भाग में दाहिना खंड पक्वाशय तथा दाहिने वृक्क तक पहुंच जाता है। इसी दाहिने भाग से लगा हुआ अंडाकार रूपी थैली पित्ताशय होता है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यकृत पिंडकों का बना होता है। इन पिंडकों को ग्लिसंस कैप्सूल्स कहते हैं। ये पिंडक यकृत कोशिकाओं के बने होते हैं। इसी में यकृत धमनी तथा यकृत निवाहिका शिरा की शाखाएँ फैली रहती हैं, जिन्हें अंतरपिंडकीय धमनिकाएँ या शिराकाएँ कहते हैं। ये घने जाल के रूप में समस्त यकृत में फैला रहता है। ये जाल अंतपिंडकीय शिराका में खुलते हैं। ये अंतपिंडकीय शिराका ही यकृत शिराएं का निर्माण करती है, जो यकृत से बाहर आकर पच महाशिरा में खुलती है। यकृत कोशिकाओं में पित्त कोशिकाएं फैली रहती है, जो पिंडकों से निकलकर अंतरापिंडकीय पित्त वाहिकाओं में खुलती है। ये वाहिका ही आपस में मिलकर पित्त वाहिनी बनाती है। ये अंत में पित्ताशय की पित्ताशय वाहिनी में खुल जाती है। ये इसका डायग्राम दे रखा है, इसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये इसकी संरचना है। अब इसका इम्पोर्टेंट जो है हमारे सिलेबस में वो है फंक्शंस ऑफ लीवर, यानी कि यकृत के कार्य। यह कार्बोज का चयापचय करता है तथा मोनोसेक्राइड्स को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदल देता है। यह दुग्ध अम्ल पाइरुविक अम्ल में और ग्लिसरॉल ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल दिए जाते हैं। ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है वह भी यकृत में ही किया जाता है। यह प्रोटीन का चयापचय करता है तथा डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा पाइरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित करता है। ये प्रोटीन चयापचय की क्रिया द्वारा डीएमिनेशन में पाइरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। यह अमोनिया गैस विषैली होती है, जो यकृत की कोशिकाएं शीघ्र ही कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर उसे यूरिया में बदल देती है। यह यूरिया वृक के द्वारा छानकर मूत्र के रूप में मिल जाता है तथा उसमें जमा होने रखता है, जो समय समय पर मूत्र द्वार द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी यकृत में होता है। यकृत वसा का संश्लेषण भी करता है तथा वसा का संग्रह भी करता है। इसके अलावा वसा की बीटा ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वह भी यकृत में ही संपन्न होती है। यकृत कीटोन का निर्माण करता है। यह हिपेरिन एंटीबॉडीज तथा एंटीटॉक्सिन का निर्माण करता है, जिसमें विषैले पदार्थ जैसे रूसिक अम्ल को सामान्य पोटेशियम सल्फोनाइड में बदलकर निष्क्रिय कर देता है। यह लोहे तांबे आदि के कणों का संग्रह यकृत कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्रावण भी करता है, साथ ही और भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन द्वारा करता है और विटामिन B12, B6, K, विटामिन डी तथा फॉलिक अम्ल का संग्रह भी करता है। यह पित्त का निर्माण एवं स्त्रावण करता है। ये भ्रूण अवस्था में यकृत द्वारा ही लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। इसके अलावा ये आंत में उपस्थित कई प्रकार के जीवाणुओं का विनाश करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये वसा का भंडारण करके रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लाइकोजन में और पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य है वह यह है कि यकृत सुरक्षा का कार्य करता है। इसमें फुफ्फुस कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ये एग्लूटिन प्रेसिप्रोटीन तथा बैक्टीलोयसिन द्वारा हिपेटिन्स के रूप में होता है। यह शरीर को बाहरी जीवाणुओं विषाणुओं तथा इत्यादि से इसकी सुरक्षा करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट कार्य है। तो ये जो डायग्राम दे रखा है यकृत के कार्य, इसको देखने पर बहुत आसानी से इसके कार्य समझ में आएंगे। थैंक यू।
आने की सर है ना मेरे पास,